বিজ্ঞানী হ্যাঁ বলবে साइंस शुरू कैसे हुआ था है ना, कैसे शुरू हुआ था, किस टाइम से हाँ फायर ये सब पुराना आदमी था, व्हील बनाया स्टोन का, टूल्स बनाया, तो इससे काफी बात किया ना हम लोग, क्या क्या बनाया था जैसे तोड़ने का काटने का पत्थर से है ना। हाँ तो तभी से यानी इंसान गलती करता है उससे सीखता है, गलती को ठीक करता है, तो ऐसे ऐसे करके हम लोग क्या साइंस ही नहीं ज्ञान प्राप्त किया है ना, फिलोसफी है साइंस है आर्ट है सब कुछ ज्ञान हम कलेक्ट किया है इंसान है ना। तो ये तो बात क्या हो, यहाँ से आगे देखते क्या होता है ना। तो जैसे हम क्या है पहले इस पे बात कर रहे हैं शुरुआत में कैसे सब ट्राइब था, अफ्रीका से इंसान का शुरुआत था, धीरे धीरे क्या हुआ राजा ये लोग बनने लग गया सिस्टम, फिर क्या अभी आज फिर मॉडर्न जो स्टेट का क्या है जैसे वोटिंग ये सब से हमारा लीडर चुन लो है ना, तो ये सब पे हम इंसान काफी आगे बढ़ा है और क्या क्या किया है बहुत कुछ। इंसान पहले पूरे पृथ्वी को जाना है ना, लोग शिप में बैठ के पूरा घूमा पृथ्वी का मैप बनाया, उसके बाद क्या है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यूनिवर्स को भी हम लोग देख लिया, मून तक पहुंच गया है ना, मार्स तक पहुंच गया, तो इंसान क्या बहुत आगे पहुंच गया है ना। लेकिन क्या धीरे धीरे टेक्नोलॉजी क्या होता है साइंस का जो भी आप इस्तेमाल करके कुछ मशीन बनाते हैं प्रैक्टिकल जिस चीज को आप यूज कर सकते हैं वो टेक्नोलॉजी है ना। जैसे पहला टेक्नोलॉजी आप बोल सकते हैं व्हील था चक्का, उसके बाद गाड़ी बना ये सब बना, गाड़ी में मोटर डाल दिया है ना, तो वैसे ही टेक्नोलॉजी। लेकिन अब धीरे धीरे क्या तो टेक्नोलॉजी का हमेशा का काम रहा है, मशीन का क्या काम होता है, मशीन क्या करती है कई काम करते, जैसे एक बेसिक काम है कि हमारा काम को आसान कर देता है ना, हाँ शीघ्र और आसानी से। जैसे अभी मुझे तामना जाना है, पहले मैं क्या करता पैदल जाता, अभी क्या है स्कूटर में बैठ के 5 मिनट में पहुंच जाता है, थका ही नहीं होता, थकता नहीं है ना। ऐसे और कुछ एग्जाम्पल बताओ टेक्नोलॉजी मशीन क्या क्या करता है। एकदम है ना, थ्रेशिंग ये सब हो जाता है, मिल में धान बन जाता है, चावल बन जाता है, आटा बन जाता है, और क्या अभी गर्मी लग रहा है फैन क्या करता है अच्छा लगता है ना, रास्ता में काम करता है। हाँ हाँ और बताओ और टेक्नोलॉजी हमारा टाइम पास भी करता है, टाइम पास कैसे करता है बताओ भाई, और एकदम है ना। तो टेक्नोलॉजी क्या है, एक तो हमारा काम आसान बनाता है और दूसरा मनोरंजन, हाँ मनोरंजन करने समय निकालने के लिए भी मदद करता है ना। अब धीरे और टेक्नोलॉजी है और भी कई काम, लेकिन धीरे धीरे अब क्या हो रहा है यही सब मनोरंजन के लिए टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है ना, नया गेम बन रहा है, नया कुछ खाने का चीज बना रहा है नया नया, तो इसी पे थोड़ा और आगे बात करेंगे ठीक है। तो धीरे धीरे पिछले 100 ईयर्स में क्या हुआ है, पिछले 100 साल में एक तो क्या हुआ दो वर्ल्ड वॉर हुआ है ना, विश्व युद्ध हुए दो, और धीरे धीरे कैपिटलिज्म को क्या हिंदी में बोलते हैं ओडिया में बोलते हैं, नहीं नहीं कैपिटल नहीं कैपिटल, अच्छा कैपिटलिज्म का मतलब देखना ठीक है, CAPITALISM ठीक। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है साइंस और टेक्नोलॉजी को हमने बस यानी और नई चीजें बनाने के लिए जिन चीजों को हम खा सकते हैं या फिर मनोरंजन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इन्हीं चीजों जिससे हम पैसा कमा सकते हैं, टेक्नोलॉजी यही सब हो रहा है ना। और टेक्नोलॉजी का और क्या काम हो सकता है, करने को बहुत कुछ कर सकता है ना ठीक है, सिर्फ बात कर रहे हैं। तो अभी क्या हो रहा है आजकल मनोरंजन या फिर पैसा बनाने के लिए ज्यादा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रहा है, तो उससे धीरे धीरे क्या हो रहा है यानी लालच ग्रीड, ग्रीड समझता है ना, लालच ग्रीड ग्रीड लोभ लोभ, हाँ तो लोभ के लिए इस्तेमाल हो रहा है साइंस और टेक्नोलॉजी है ना। तो इस पे आज हम बात करेंगे थोड़ा। अब टेक्नोलॉजी का जो भी सामान आप मशीन बनाते हैं वो कहां से आता है सामान, जैसे कुछ आपको गाड़ी बनाना है तो गाड़ी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, लोहा, लोहा कहां से आता है,
हाँ पृथ्वी से आ रहा है और टेबल बनाने के लिए क्या चाहिए वो धूल कहाँ से आ रहा है तो जो भी आप मशीन टेक्नोलॉजी बना रहे हो उसका जो बेसिक जो रॉ मटेरियल बोलता है वो कहाँ से आ रहा है पृथ्वी से आ रहा है ना तो अब पहले का टाइम में हमारा पॉपुलेशन भी कम था है ना और हम लोग पृथ्वी का बहुत इस्तेमाल कर सकते थे अब धीरे धीरे क्या हो रहा है हमारा पॉपुलेशन कितना 7 बिलियन पहुंच गया है और हम लोग पूरा टेक्नोलॉजी को लोग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं पैसे के लिए या फिर और चीजों के लिए तो धीरे धीरे क्या हो रहा है पृथ्वी का जो सामान है पृथ्वी में वो धीरे धीरे हाँ कम हो रहा है ना खत्म तो अभी नहीं हो रहा है लेकिन कम हो रहा है चाहे तेल हो पेट्रोल या से कार्बन हो कोल कोयला ये सब कम हो रहा है ठीक है पेड़ कम हो रहा है सबसे इम्पोर्टेंट फॉरेस्ट कम हो रहा है ना तो वही एंड में क्या इकोनॉमिक्स में एक रूल होता है कि जैसे एंड में क्या जो लैंड है अगर अभी सेवन हमने पॉपुलेशन के बारे में बात किया था 7 बिलियन है कल को 15 बिलियन हो जाएगा लेकिन पृथ्वी में जो धरती है जितना अगर यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका अफ्रीका यूरोप रशिया इंडिया ये सब ये तो इतना ही है ना लैंड और तो नहीं है ना और लैंड में ही है जितना भी आयरन कोयला ये सब पेड़ वुड सब लैंड पे है ना तो लोग बढ़ता जा रहा है लेकिन लैंड और रिसोर्सेस उतना ही है और खत्म हो रहा है बल्कि तो इसीलिए प्रॉब्लम आ रहा है ना और इसीलिए हम लोग लड़ाई भी करता है पहले जमाने में क्या जमीन के लिए लड़ाई होता था ना अभी भी हो रहा है एक तरह से तो इस पे बात करता है तो धीरे धीरे बेसिकली हम क्या कर रहे हैं हम अपना ही जीवन ह्यूमन बींग जो है जो पृथ्वी में रहता है हम अपने लिए ही ऐसा बना रहे कि हम लोग खुद ही ना रह पाए हमारे लिए जीवन यहाँ पे हाँ इम्पॉसिबल हो जाएगा नहीं हो पाएगा ना क्या कर रहे हैं लोग पेड़ काट रहा है सबसे पहले तो जंगल काट रहा है जंगलों को काट के क्या बना रहे फैक्ट्री बना रहे घर बना रहे और जैसा मैंने बात किया था क्या ये नियमगिरी हिल का बात कर रहे याद है नियमगिरी कहाँ है नियमगिरी हिल पलांडी तो वहां पे क्या हो रहा है बात किया था मैंने इससे हाँ बॉक्साइट क्या हुआ बॉक्साइट के लेकिन यूके का एक कंपनी है वेदांत करके वो आके उनको उस पहाड़ का बॉक्साइट चाहिए और सरकार भी उनका मदद कर रहा है लेकिन एंड में कोर्ट केस अभी भी चल रहा है तो वही प्रॉब्लम क्या हो रहा है प्रॉब्लम क्या है वही हम लोग नेचर को हटा के और भी अपना लोग के लिए चीजें बनाना चाहते हैं ना तो धीरे धीरे ये जो हम और क्या क्या कर रहे हैं यानी फॉरेस्ट काटने का तो क्या होगा हाँ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा एकदम बहुत इम्पोर्टेंट बात रेन हाँ ये सबका प्रॉब्लम पानी का प्रॉब्लम हो सकता है और जो हीट बढ़ेगा एकदम बिल्कुल और जो जीव है वो सब भी कहा जाएगा जो भी वहां पे जानवर ये सब रहता है हाँ ग्राम में आएगा उनको मार देगा ये सब हो रहा है ना तो वही ये सब चीजें जैसे पेड़ काटना दूसरा हम जो फॉसिल फ्यूल जो रहता है जो भी जैसे कोयला पेट्रोल तेल है ना ये सब का इस्तेमाल से क्या होता है एटमॉस्फेयर हवा में अभी तुम जो बोला क्या हो रहा है अभी बोला तुमको क्या बढ़ रहा है हवा में क्या बढ़ रहा है टेम्परेचर किस से देख क्या कौन सा गैस बढ़ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से क्या होता है अभी बोला था कार्बन डाइऑक्साइड हीट बढ़ रहा है धीरे धीरे है ना तो इस चीज को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्रीन हाउस माने हाँ जैसे यहाँ पे खेती चास हो रहा है अगर ऐसे से कुछ फूल वूल उगा रहा है तो कांच शीशे का ऐसा एक घर बना देगा उससे क्या होगा सूरज जाएगा सन है सन का रेज आ रहा है वो अंदर जाएगा बाहर नहीं आ पाएगा ठीक है अंदर तो जा रहा है लेकिन बाहर नहीं आ पाएगा ऐसे रुक जाएगा है ना तो क्या होगा धीरे धीरे अंदर गर्म हो जाएगा तो ग्रीन हाउस यूज होता है जैसे पहाड़ों में जहाँ ठंड होता है कम सन आता है तो इसलिए खेती वेती के लिए इस्तेमाल करते हैं लोग अब ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर पूरे धरती में होने लग जाए तो क्या होगा
हाँ अर्थ ये है, अर्थ के आसपास गैस है, एटमॉस्फेयर है जो हमने बात किया था, जिसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन सब कुछ है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अभी क्या है, अभी अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम है तो आता है, जैसे अगर यहां से इतना चार रेज आ रहा है तो उसमें से क्या होगा, तीन वापिस चले जाएगा, एक रह जाएगा, एक अंदर ही रहेगा। लेकिन अब कार्बन डाइऑक्साइड धीरे धीरे बढ़ रहा है तो क्या होगा, ये सब बाहर जाने बंद हो जाएगा, गर्मी अंदर ही रह जाएगा, यहाँ पे फंसे रहेगा, तो क्या होगा, हीट बढ़ेगा, पूरे दुनिया में हीट बढ़ेगा, है ना। उससे क्या होगा, हीट से क्या होगा, फिर अगर पूरे दुनिया में हीट बढ़ गया तो उससे क्या है, प्रॉब्लम क्या है, जीव जंतु मरेगा और अब जैसे आपको बताया था नॉर्थ पोल यहाँ है, साउथ पोल यहाँ, यहाँ पे क्या है, बर्फ, अब गर्मी से स्नो का क्या होगा, बर्फ का क्या होगा, लिक्विड हो जाएगा, और अगर लिक्विड हो गया तो बाकी ये जो यहाँ क्या होगा, हाँ समुद्र के अंदर चला जाएगा, आसपास का जैसे बॉम्बे जैसा जगह है, श्रीलंका है, वो सब हो सकता है पानी के नीचे चले जाएगा, है ना। और क्या, धीरे धीरे इसी की वजह से मौसम बहुत बिगड़ जाएगा, जैसे अभी उड़ीसा में हो सकता है कि अगर ये चलते रहे तो 20-30 साल बाद यहाँ जहाँ बैठे इतना गर्मी में यहाँ बर्फ पड़ने लग जाए, और हिमाचल में जहाँ बर्फ रहता है वहां पे एकदम से गर्मी हो जाए, कहीं रेगिस्तान बन जाए, जहाँ पे यहाँ इतना भी ग्रीन ग्रीन है हर जगह, हो सकता है वहां पे डेजर्ट हो जाए, ये सब हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो हम बोलते रहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, माने विश्व में गर्मी बढ़ रहा है, तो इससे क्या होगा, हम ही लोग, हमारे लिए जीवन मुश्किल हो रहा है, हम लोग नहीं रह गए ना। तो इसीलिए हमको इन सब चीजों के बारे में सोचना है आगे, टेक्नोलॉजी साइंस को इन सब चीजों का हल निकालने के लिए। पॉलिटिक्स भी इसी में आजकल अगर आप न्यूज पढ़ रहे हैं तो काफी ये सब हो रहा है, जैसे अमेरिका के बीच में बाकी लोग के बीच में लड़ाई हो रहा है ना, और उन्होंने बोला कि अब से हम पेट्रोल ये सब इस्तेमाल करना कम करेगा, ताकि उससे क्या होगा, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगा, है ना। लेकिन अब इसमें भी क्या हो जाता है, कुछ कुछ देश बोल रहे नहीं हम तो यूज करेगा, अमेरिका जैसे बोल रहा हम यूज करेंगे, तो इसलिए प्रॉब्लम चल रहा है सब, ठीक है। और एंड में इतना बात कर लेते हैं, हम ये सब एनवायरनमेंट के बारे में सोचना क्यों जरूरी है, ये सब के बारे में सोचना क्यों जरूरी है, अपने लिए, हमारा अपना जीवन मुश्किल हो जाएगा, अर्थ को कुछ नहीं होगा, अर्थ में ठीक है थोड़ा गर्मी बढ़ा, उसके बाद फिर से अभी अगर सारा इंसान 7 बिलियन इंसान पॉपुलेशन खत्म हो जाए कुछ नहीं होगा, और थोड़े टाइम बाद फिर से हो सकता है नया स्पीशीज आ जाए, जैसे हमको बात करते हैं डायनासोर से एक टाइम पे था, फिर क्या हुआ मीटियोर या कुछ गिरा उससे डायनासोर खत्म हो गया, फिर जाके नया स्पीशीज आया, मैमल आया और हम आए, हो सकता है ऐसे ही अगर हम लोग ऐसे ही अपने आप को खत्म कर देगा तो कुछ नया आ जाएगा। तो अर्थ का कुछ नहीं, अर्थ को नहीं बचा रहे हम लोग, अपने आप को बचा रहे, ठीक है। ज्यादातर लोग बोलते हैं लेट्स सेव द प्लैनेट, अर्थ को बचाना है, अर्थ को नहीं बचा रहे हम लोग, अपने आप को बचा रहे, ठीक, अर्थ को कुछ नहीं हुआ। जितना न्यूक्लियर बॉम्ब है हमारे पास, अगर वो सब भी फोड़ दिया तब भी अर्थ रहेगा, हम लोग मर जाएगा लेकिन अर्थ रहेगा, है ना। जितना जीव जंतु है ये सब मर सकता है लेकिन अर्थ कभी रहेगा, ठीक, अर्थ स्ट्रॉन्ग है अभी, इतना वीक नहीं है। तो पहले ये सब प्रॉब्लम इसीलिए आ रहा है कि हम क्या नेचर का दुरुपयोग कर रहा है ना, हाँ यानी मिसयूज कर रहा है ना, गलत इस्तेमाल कर रहा है। पहले हम नेचर को थोड़ा बदलता था, उससे अपना चीज ले लेता, लेकिन अब हम बिल्कुल इतना लेवल पे कर रहा है, जैसे सोचो अगर यहाँ जंगल है, पेड़ है बहुत सारा, पहले एक टाइम था जब आप 100 में से 10 पेड़ काटता था तो हो सकता है 1 साल से फिर से वो 10 पेड़ फिर से उग जाएगा, है ना। अब क्या कर रहे हैं आप, एक ही बारे में 100 का 100 पेड़ पूरा हटा दे रहे हैं, तो नया पेड़ तो नहीं आएगा ना, यही सब प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक। तो धीरे धीरे यही हो रहा है, देखो अभी जैसे हो सकता है अभी पानी हमारे पास है ना, हो सकता है 50 साल बाद पानी तेल से भी ज्यादा, अभी ऑयल पेट्रोल है, पेट्रोल से ज्यादा कम पानी मिले, पानी दुनिया में खत्म हो जाए, सोच रहा है, तो हो सकता है पेट्रोल से भी ज्यादा महंगा हो जाए पानी, 1 लीटर पानी 100 रुपया, हो सकता है ना, क्योंकि सब क्या डिमांड एंड सप्लाई, इसके बाद क्या था हमने
शिलू के दुकान में अगर आप लोग मिक्सर खरीदना बंद कर देगा तो क्या होगा? हाँ, या तो मिक्सर रखना बंद कर देगा या फिर मिक्सर वो 10 रुपए की जगह 2 रुपए में बेचेगा, है ना। वैसे अगर आप लोग सब बाकी सब चीजें छोड़ के बस मिक्सर खाने लग जाए तो क्या होगा? मिक्सर धीरे धीरे शायद वो 15 रुपए में बेचने लग जाएगा, है ना। तो ऐसे ही पानी का है, पानी अगर खत्म होने लग जाए क्या होगा? प्राइस बढ़ जाएगा। हो सकता है अभी जैसे विश्व युद्ध, अभी आजकल इराक अफगानिस्तान युद्ध ये सब क्यों हुआ? तेल के लिए, ऑयल के लिए। हो सकता है नेक्स्ट विश्व युद्ध किस लिए हो? पानी के लिए। हो सकता है ये सब, है ना। तो वही हम लोग जिस तरह से अभी पृथ्वी को खराब कर रहा है, उसका दुरुपयोग कर रहा है, हो सकता है कि कुछ साल बाद यही प्रॉब्लम हो जाए। हमारे पास साफ हवा नहीं रहेगा सुनने के लिए, एनर्जी नहीं रहेगा यूज करने के लिए, जमीन नहीं रहेगा, खाना नहीं रहेगा थोड़े टाइम बाद। हो सकता है इतना पॉपुलेशन बढ़ रहा है, थोड़े टाइम बाद हम एक दूसरे के लिए खाना नहीं बना पाएगा, है ना। ये सब हो सकता है। तो बार बार मैं पॉइंट ये है कि जो अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी नया नया खिलौना बना रहा है, नया नया मनोरंजन का चीज बना रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इन चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा अभी, है ना। सोच रहे हैं, लेकिन एट द टाइम क्या हो रहा है, साथ साथ हम लोगों को इतना पता है कि हम एक पूरा, हमने अपने यूनिवर्स का पता है, हमको इतना बड़ा यूनिवर्स है और उसमें से हम एक छोटा सा कोने में है, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अमेरिका वाला बोलते नहीं मैं पेट्रोल यूज करूंगा, तुम लोग मत करो, ये सब एक दूसरे से लड़ रहा है। अभी तक धर्म के नाम पे लड़ रहा है पेट्रोल, ये क्या देश के नाम पे लड़ रहा है। अभी तक हम लोग को ये समझ नहीं है कि हम इतना एक छोटा प्लैनेट पूरे इतना बड़ा यूनिवर्स में एक जाति है, साथ मिलकर काम करना चाहिए, है ना। तो यही हो रहा है प्रॉब्लम, यानी इतना टाइम हम लोग इतना पैसा और रिसर्च हम बॉम्ब बनाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको क्या सही लगता है ये? इतना लोग हैं जिनके पास खाने को नहीं, इतना बच्चे जो स्कूल नहीं जाता है, तो वो सब पैसा अगर इन चीजों के लिए इस्तेमाल हो ज्यादा सही रहेगा ना। वो समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? हेल्थ नहीं है, डॉक्टर नहीं है, आपको पता है कुछ कुछ गाँव अभी भी ऐसा है जहाँ पे जब तक आप डॉक्टर के पास जाए तब तक आदमी मर जाता है ना। तो ये सब चीजों की जगह हम लोग और बॉम्ब या फिर और मनोरंजन की चीजें क्यों बना रहे हैं, ये सब सोचने का बात है। पॉलिटिक्स है ना, पानी खत्म हो रहा है, तेल खत्म हो रहा है, जंगल खत्म, लेकिन हम लोग नया मॉल बना रहे हैं, नया फैक्ट्री बना रहे हैं, ये सब में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो साइंस को क्या क्या करना चाहिए, इस पर थोड़ा बात करना है, क्या क्या कर सकता है साइंस, है ना। जैसे पहली बात तो पानी का प्रॉब्लम देखते हैं, क्या कर सकता है पानी का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। और थोड़ा और इमेजिनेटिव सोचो, कुछ भी हो सकता है। मान लो तुम साइंटिस्ट है और तुम कुछ रिसर्च कर रहे हो, हाँ ठीक है, वो सब ठीक। थोड़ा जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, हमारे पृथ्वी में कितना 75% आई थिंक 70% क्या है, पानी है ना, समुद्र है, लेकिन समुद्र का पानी कौन पी नहीं सकता है। तो हो सकता है साइंटिस्ट को कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हम लोग सस्ते से आसानी से उस पानी को पीने का पानी बना सकते हैं ना। ये सब हो सकता है अगर कोशिश करेगा तो, अगर उसमें पैसा रिसर्च के लिए भी पैसा चाहिए होता है ना। अगर वो जो पैसा आप 50 करोड़ बॉम्ब बनाने का दे रहा है, उस चीज को इसमें लगा देगा तो शायद बदल सकता है ना। वैसे ही और क्या लगता है आपको, और कोई ऐसे एग्जाम्पल दो मुझे। जैसे एनर्जी, अभी हम लोग एनर्जी के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर तेल पेट्रोल, उसकी जगह सोलर भी जैसे क्या क्या कर सकता है। गैस, गैस भी उसी से ही आता है वैसे, कार्बन फॉसिल, तो उसको हटाओ। सोलर एनर्जी जैसे अभी है डायरेक्टली, लाइटनिंग आता है देखा हमने, लाइटनिंग बारिश के वक्त बिजली आता है ना। हो सकता है अगर साइंटिस्ट चाहे तो उस चीज को हम इस्तेमाल कर सके, अभी तो नहीं कर सकता है। तो ये सब नया नया तरीका है, आपको थोड़ा इमेजिनेशन वो बात करें। खाना खाने का, अभी हम चास से बनाता है, साल में अगर बारिश नहीं हुई तो खाना वेस्ट है ना, फसल वेस्ट हो गया ना। और क्या क्या लैब में खाना बना सकते हैं, ये सब कर सकता है ना। तो इस चीजों पे सोचो आगे क्या हो सकता है ना, ये सब प्रॉब्लम कर सकते हैं। और एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम प्लास्टिक का, प्लास्टिक पे भी हम पहले बात कर चुके हैं, प्लास्टिक क्यों प्रॉब्लम है। हाँ, उसको आप चाहे रख दोगे, अगर यहाँ पे फेंका हुआ है तो हजार साल, 500 साल या फिर 1000 साल बाद आओगे वो तभी यही होगा, वो सड़ेगा नहीं, है ना। तो इसीलिए साइंटिस्ट क्या और क्यों प्लास्टिक हम यूज क्यों कर रहे हैं, हाँ कम दाम और सुंदर,
सुंदर लगता है। हाँ हाँ इजी है इस्तेमाल करने में और सुंदर सस्ता है ना। तो वही साइंटिस्ट आपको क्या लगता है, इतना साइंटिस्ट दुनिया में अगर हम लोग चाहे अगर सही से चाहे तो कुछ इसका एक सब्स्टिट्यूट नहीं बना सकता है, बना सकता है ना। तो यही सब बात है। जैसे अभी क्या निशान ने आज मुझे बताया एक चीज, क्या है, एक कीड़ा है जो प्लास्टिक को खाता है, एक ऐसा हमने ढूंढा है, इस पर रिसर्च चल रहा है। हाँ एक छोटा कीड़ा जो प्लास्टिक को खा लेता है। हाँ तो हो सकता है अगर इन चीजों पे हम और रिसर्च और पैसा डालें तो हम लोग इसको कुछ है ना। अभी जो की क्या पृथ्वी में प्लास्टिक भरता जा रहा है तो ये सब चीजों से हो सकता है हम इन सब को सोल्यूशन निकाल रहे हैं ना। तो यही सब बात कर रहे हैं। फिलहाल आप क्या कर सकते हैं प्लास्टिक के लिए, प्लास्टिक के लिए आप क्या कर सकते हैं, कम यूज करो और इधर उधर मत फेंको। पहले तुमको मैं देखा हरी और भी लोग को देखा इधर वही शुरू के वहां फेंक देता है। लेकिन हाँ यहाँ पे देखो प्रॉब्लम है, हाँ वो जला दिया नहीं, यहाँ पे अब नहीं कर सकता, यानी इसमें गवर्नमेंट को भी काम करना पड़ेगा। अब आप लोग अभी प्लास्टिक तो आ ही रहा है, कोका कोला आ रहा है, चिप्स का पैकेट आ रहा है, उसका आप लोग क्या करेगा ना, नहीं कर सकता है कुछ, जला देता है यहाँ स्कूल में शुरू जला देता है, वो भी वैसे गलत है। हाँ क्या करेगा ना, नहीं तो भर जाएगा। लेकिन इसमें गवर्नमेंट अगर घर अगर हफ्ते यहाँ पे ट्रक भेजने लग जाए प्लास्टिक ले जाए तभी कुछ भरता है ना। तो ये सब बात है। तो वही सरकार को हमें साइंटिस्ट को सब एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा तभी आगे बढ़ेगा। हाँ तो एंड में जो भी ये सब पॉइंट ये है कि साइंस ना जो बस वो नहीं है जो आप किताबों में पढ़ते हैं या फिर जो लैब में होता है, साइंस हर जगह है, हमारे जीवन को एक एक पार्ट को इफेक्ट करता है, सब कुछ साइंस से चलता है, इलेक्ट्रिसिटी ये सब है ना। साइंस नहीं होता तो हम लोग ये सब नहीं होता हमारे पास। एक तरह से साइंस आपको मैंने क्या बताया था, बस साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं है, साइंस जिस तरह से हम लोग ज्ञान प्राप्त करता है कलेक्ट करता है वो साइंस है ना। लेकिन धीरे धीरे पैसा पॉलिटिक्स ये सब में बिगड़ गया। तो हमको क्या करना है, साइंस को वापस जो शुरुआत में जो साइंस का आइडिया था कि हमको ज्ञान प्राप्त करना है और एक तरीका ढूंढना है जिससे इंसान लोग सबसे अच्छे तरीके से रहे। साइंस का क्या था, अपने दुनिया को समझना है ना, आसपास अपने दुनिया को समझना है, साइंस का वो उद्देश्य था। तो अब हमको वापस उसी चीज पे जाना है, बस मनोरंजन के लिए नहीं, बस लड़ने के लिए नहीं, बॉम्ब गन बनाने के लिए, अपने लिए एक तरीका ढूंढना है जो सबसे अच्छा तरीका, जो पृथ्वी को ना नष्ट करे अपने आप को नष्ट ना करे, ऐसा तरीका ढूंढना है। और वो साइंस ही कर सकता है और धीरे धीरे होगा जब आप लोग की नेक्स्ट जनरेशन ही कर सकता है, हम लोग तो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, अब आप लोग करेगा इधर ठीक। तो ये रहा साइंस, ये तो साइंस का भाग है। अब थोड़ा एक क्योंकि इंडिया में साइंस बहुत साइंस आर्ट्स ह्यूमैनिटी साइंस आर्ट्स कॉमर्स इस चीज तीन चीज पे बात करता है ना, क्योंकि अभी आप टेंथ पे अगले साल आप चूज करेगा। साइंस का तो बहुत बात कर लिया, आर्ट्स क्या होता है, चित्र नहीं रहे ह्यूमैनिटी जो फिलोसफी हिस्ट्री लिटरेचर लैंग्वेज ये सब ह्यूमैनिटीज बोलते हैं, आर्ट्स या फिर ह्यूमैनिटीज। इसका मतलब क्या होता है, हाँ मानव संस्कृति का पढ़ाई, संस्कृति है ना, चाहे हिस्ट्री हो चाहे फिलोसफी हो चाहे लैंग्वेज हो चाहे लिटरेचर हो चाहे आर्ट हो ड्राइंग ये सब हो म्यूजिक हो डांस हो, ये सब आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज में आता है ठीक। और कॉमर्स क्या होता है, हाँ बिजनेस का पढ़ाई पैसे का पढ़ाई वो कॉमर्स होता है ना। तो कॉमर्स तो बहुत सिंपल है, बिजनेस का पढ़ाई पैसे का पढ़ाई इस पे ज्यादा बात नहीं करेगा। ह्यूमैनिटीज तीन ऑप्शन है ना, साइंस ह्यूमैनिटी। साइंस क्या होता है, ज्ञान प्राप्त करने का एक तरीका जिससे आप प्रूफ के साथ, प्रूफ होता है साइंस में ना। ह्यूमैनिटीज ऐसी चीजें पढ़ता है जिसका आप ज्यादा प्रूफ नहीं करते, हिस्ट्री में ठीक है आप प्रूफ दे सकता है, बाकी चीजों में कल्चर में फिलोसफी में प्रूफ नहीं दे सकता है, साइंस में हमेशा प्रूफ ठीक। तो अब इसमें से आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा सही कौन सा है, क्यों नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ, हर एक का अपना अपना प्रवृत्ति होता है ना। अब अगर जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जानता है ना, उसको कल बोलेगा लैब में डाल के चलो अब ये बनाओ H2SO4 बनाओ, शायद वो नहीं कर पाएगा। लेकिन उसका मतलब क्या है कि रविंद्रनाथ टैगोर कम आदमी है, वो मान नहीं है ना। वैसे आइंस्टाइन को तुम बोलेगा कि चलो
ठीक है, आइंस्टाइन को क्या बोलेगा जैसे, हाँ चार्ज करो, या फिर क्या है बैंड चलाओ, कर पाएगा वो शायद नहीं कर पाएगा। हर एक का तो वही बात है, हर एक का अपना अपना दिमाग होता है, अपना अपना इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना, अगले साल मैं इससे बात करूँ, अगले साल आप लोग चूज करेगा ये। तो अपना इंटरेस्ट देखो, अपना कमजोरी देखो, अपना स्ट्रेंथ देखो, ठीक है। जैसे एक आदमी कुछ हमारा मानना है कि हम लोग इंटेलिजेंस क्या मानता है, जो अच्छे से बोल लेता है या फिर जो अच्छे से मैथ वैथ कर लेता है, साइंस कर लेता है। इंटेलिजेंस 9 प्रकार का हो, और भी प्रकार होते हैं, लेकिन एक आदमी बोलता है 9 प्रकार का इंटेलिजेंस होता है। क्या क्या, अभी मैं आपको बताता हूं। नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस, वो जिसको यानी नेचर के बारे में बहुत पता है। जैसे आप लोग है, आपको नेचर के बारे में काफी पता मिल गया है ना। जैसे कई लोगों से मिलता जिनको पता होता है, अगर यहाँ पे ये पत्ता जला देगा तो मच्छर भाग जाएगा, चोट लगा है, आग लगा है, ये पत्ता करके लगा देगा ठीक हो जाएगा, है ना। बैम्बू का कैसे इस्तेमाल कर सकता है, चास के लिए कौन सा मिट्टी अच्छा है, तो ये सब नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस जो नेचर के बारे में, ठीक। उसके बाद म्यूजिकल, कुछ लोग होते हैं जिसका म्यूजिक कान बहुत अच्छा होता है, वो एकदम से म्यूजिक पकड़ लेता है ना, सुन के ही वो पूरा गाना समझ जाएगा, बजाने लग जाएगा, गिटार पे आएगा, उसका म्यूजिकल इंटेलिजेंस। साउंड यानी साउंड बेसिकली, जैसे साउंड का एक मिनट, सा बोलो, रे, सा रे गा मा पा धा नी सा, हाँ कुछ कुछ देखो गलती कर रहा है बीच में, तो जो वही म्यूजिकल इंटेलिजेंस। कुछ लोग होता है बिल्कुल साउंड पकड़ के एकदम समझ जाता है, तो उनका साउंड वाला इंटेलिजेंस होता है। और ये नहीं कि एक आदमी बस एक ही होता है, काफी कुछ हो सकता है, ठीक। उसके बाद आता है लॉजिकल मैथमेटिकल, ये जो हम मानते हैं, जो ज्यादातर इसी को हम इंटेलिजेंस मानते हैं ना, वो ये है जो नंबर्स का समझ जाता है, या फिर लॉजिक किस तरह से प्रॉब्लम निकालना है ना। एग्जिस्टेंशियल, एग्जिस्टेंशियल यानी कि जो जीवन के बारे में फिलॉसफी ये सब समझता है, उनका दिमाग यानी जैसे बाबा लोग होता है ना, हाँ साधु लोग, ये सब एग्जिस्टेंशियल जो लाइफ के बारे में फिलॉसफी के बारे में समझ सकता है। इंटरपर्सनल यानी कि कुछ लोग होते हैं जैसे बातचीत में बहुत तेज होता है ना, बात करने बहुत तेज होता है। हाँ बातचीत में बहुत तेज होता है, जैसे सदानंद ज्यादा चुप रहता है, ज्यादा बात नहीं करता, ये क्या है, सनातन बहुत बात करता है, तो ये भी एक तरह का इंटेलिजेंस है। क्योंकि आगे देखो मैंने आपको बताया ना, ये भी एक, कल को आप दोनों के पास सोचो बिजनेस आइडिया है, सेम बिजनेस आइडिया, एक इसने कुछ एक बहुत अच्छा आइडिया इसके दिमाग में, एक इसने बहुत एक अच्छा आइडिया बना लिया है। अब वो उस आइडिया को असल में बनाने के लिए क्या चाहिए, पैसा, है ना। तो अब 10 लोगों के सामने इंटरव्यू है, इन दोनों को अगर ऐसे ही रहे, सनातन ज्यादा बोलता नहीं, ये बहुत बोलता है, तो किसको पैसा मिलेगा, आपको क्या लगता है, किसको ना, जो ज्यादा अच्छे से बात कर सकता है लोगों से, अरे हाँ ये ऐसे ऐसे करके, तो ये भी एक इंटेलिजेंस इंटरपर्सनल, ठीक है। उसके बाद क्या है, बॉडीली इंटेलिजेंस, यानी जो शरीर जितना तेज होता है, जैसे स्पोर्ट्समैन होता है ना, वो भी एक इंटेलिजेंस है, जैसे शरीर, और वो ही नहीं जैसे काम करने का है, जैसे आप लोगों को मैं देखता है कुछ भी है, अगर इसको मैं बोलता हूँ कि आपको इसको काट के कुछ और बनाना है, कर सकता है ना इसको, कुछ लोगों का ज्यादा अच्छा होता है इन चीजों में, जैसे कुछ भी, जैसे अगर लकड़ी का है, एक ऐसा स्कूल बना सकता है आप लोग, अगर मैं लकड़ी दूंगा और टूल्स दूंगा बना ले, तो वही एक तरह से बॉडी इंटेलिजेंस वही है। या फिर स्पोर्ट्स, भागना, फुटबॉल लेता है ना, कुछ लोग कितना एंथम ऐसे से बॉल ऐसे से निकाल लेता है, वो क्या है, बॉडी इंटेलिजेंस है। और लिंग्विस्टिक यानी लैंग्वेज का, जो लोग लैंग्वेज को अच्छे से समझता है, बोलता है, जैसे मेरा लैंग्वेज का थोड़ा लैंग्वेज इंटेलिजेंस मेरा स्ट्रॉन्ग है, बाकी बॉडी स्ट्रॉन्ग मेरा नहीं है, तो अपना, हाँ। और उसके आगे क्या है, इंट्रापर्सनल यानी अपने आप को समझने का शक्ति, इंटेलिजेंस इंट्रापर्सनल, आपके अंदर क्या हो रहा है ये सब। और फाइनली स्पेशियल यानी जगह, जैसे इंजीनियर आर्किटेक्ट ये लोग स्पेस को देख लेते हैं, जैसे निशान क्या है, आर्किटेक्ट है,
वो अगर जैसे हम लोग आता है इस कमरे में, हम लोगों को एक नॉर्मल कमरा दिखता है, निशान अगर शायद कमरे में घुसता है उसको दिखने लग जाता है कि हाँ इस जगह में ये हो सकता है, ये पूरा वो जगह को जैसे आप ड्रॉइंग करते हैं ना, ड्रॉइंग में भी स्पेशल इंटेलिजेंस है ना, इतना बड़ा अगर ये कैंप आपके पास पेपर है तो यहाँ पे क्या बनाओगे, यहाँ पे क्या बनाओगे, यहाँ पे क्या बनाओगे और बीच में क्या बनाओगे, जगह का इंटेलिजेंस है ना, जगह को समझना इस जगह में क्या होगा, तो ये बहुत तरह का इंटेलिजेंस है आपको समझना कि आपका कौन सा स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है। जैसे मुझे पता है कि मेरा लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग है, एग्जिस्टेंशियल स्ट्रॉन्ग है और लॉजिक कम है, मैथमेटिकल मेरा वीक है और बॉडीली वीक है, तो मुझे क्या करना चाहिए, इस इन दोनों पे काम करना चाहिए, मुझे एक्सरसाइज करना चाहिए, मैथ्स सॉल्व प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए ना, तो ये चीज आप समझो, बस मैथ्स या फिर साइंस या फिर बात करना ही नहीं है, बाकी और भी कई इंटेलिजेंस है, ठीक है, इस चीज को समझो और उसी तरह से आपको अपना आगे का फ्यूचर करियर चूज करना चाहिए ना, जिस चीज में आप स्ट्रॉन्ग है, तो ये बहुत समझ जरूरी है कि आप अपना स्ट्रेंथ ताकत को समझो और कमजोरी को समझो और अकॉर्डिंगली आप काम करो, ठीक। जैसे कहानी, हाँ एक बार ये कहानी सुना जा रहा है, एक बार ही बोला कि एक कॉम्पिटिशन होगा, ठीक है, एक मछली है, एक मंकी है और एक कैट है, ठीक, और बोला कि कंपटीशन में देखेंगे कि सबसे अच्छा जानवर कौन है, लेकिन कंपटीशन क्या था, पेड़ में चढ़ने का, तो आपको क्या लगता है कौन जीता होगा, मंकी फर्स्ट आ गया, ये सेकंड आ गया और ये तो बेचारे चढ़ ही नहीं पाए, ये पानी में है, तो इसका क्या मतलब, ये अच्छा जानवर प्राणी नहीं है क्या, कंपटीशन का बात है ना, कंपटीशन अगर स्विमिंग का होता तो कौन जीतता, हाँ तो वही है, ठीक है, हर एक का अपना अपना ताकत है, अपना अपना कमजोरी है ना, जैसे मंकी स्विम नहीं कर पाएगा वैसे ही मछली ऊपर नहीं चढ़ पाएगा, वैसे ही जो लोग का नंबर ज्यादा चीज है वो शायद बाकी चीज नहीं करता है ना, तो लास्ट यही बात है कि दुनिया में बहुत कुछ आप कर सकते हैं, आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत चीजें हैं, अब बस आप लोगों को ये सब समझने का जरूरत है, कोई अगर बोलता है कि अगर तुमको मैथ्स में कम नंबर आ रहा है तो तुम बेवकूफ है, तो उसका बात मत मानो, तुम और कुछ भी कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक, जैसे कोई अगर कभी, यानी मैंने आपको बार बार बताया मैं क्लास 8-9 से लेकर फेल होता जा रहा हूँ, बहुत बार फेल हुआ है, ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ अपना कर रहा है, तो कभी फेल भी हो जाए तो उसको बुरा नहीं माना, ठीक है, एक दरवाजा दुनिया में बंद होता है तो दूसरा दरवाजा खुल जाता है, मैं क्या बोलते हैं साइंस में फेल हो गया तो मैं लिटरेचर पढ़ने लगे और अच्छा काम किया, जर्नलिस्ट किया, ये सब किया, तो कभी भी हार नहीं मानना है, ठीक है, नया नया खुलते रहता है, आपको बस एक जो चीज मैंने बताया, एक चीज सबके पास बराबर होता है, क्या बताया, एक चीज है जो दुनिया में हर आदमी के पास बराबर है, क्या दिमाग तो नहीं, किसी के पास थोड़ा ज्यादा किताबें पढ़ लिया, ज्यादा इंटेलिजेंट, ज्यादा इंटरेस्ट नहीं, एक चीज तो सबके पास बराबर है, हाँ समय 24 आवर्स सबके पास बराबर है, इन 24 आवर्स में आप सोते हैं, टाइम पास करते हैं, पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, उसी से आपका फ्यूचर डिसाइड होगा, ठीक, और हमेशा अपना ताकत और कमजोरी को समझो, है ना, एक क्लास खत्म, ये एक एक्सरसाइज करता है, आपको क्या लगता है आपका ताकत कमजोरी क्या है, पहले मैं आपको बता दूं फिर आप लोग कोशिश कर रहे, ठीक, ये हमने पहले भी एक बार कोशिश किया था, ठीक, मुझे लगता है मेरा ताकत है कि मैं लैंग्वेज मेरा ताकत है और फिलोसफी मेरा ताकत है, इसमें मैं स्ट्रांग हूँ और मैथ्स में मैं बहुत वीक हूँ और बॉडी वीक इज मैं वीक हूँ, ये दो स्ट्रेंथ दो वीक है, ठीक है, निशान language yeah, I'm kind of okay with it. Average yeah. language. And weakness? Weakness, mathematics is weak. But science, conceptual analysis, I'm strong. Then what? What else do you do? Body, okay, I'm flexible. Okay. What else? Not just in those 9 terms, कैसे भी जो आपको लगता है. Okay. Emotional also. Emotionally, I'm weak. हाँ, ठीक है. तो आप समझ गए, उन्होंने भी अपना तुम स्टार्ट करो, क्या लगता है आपको, थोड़ा 2 मिनट का टाइम देता है, सोचो, ठीक है, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सोचो आपका क्या, कितना सब 15-16 साल का है ना, यहाँ पे 15 इयर्स 14-15 इयर्स है सब, तो इतना तक आपको आपको पता होना चाहिए कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, क्या अच्छा कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, क्या वीकनेस है,
दो मिनट दे रहा हूँ, थोड़ा सोचो सब, दो भी नहीं एक सेकंड दे वीकनेस, ठीक है, दो मिनट सोचो और फिर बताओ। What is strength? What is weakness? Weakness है ही नहीं। Weakness बस ताकत वाला नहीं बोल रहा। Weakness और भी चीजें हो सकती हैं, जैसे हाँ, जैसे मुझे मैथ समझ में नहीं आता, मेरा वो weakness है, कमजोरी है, मैथ्स में बहुत गंदा हूँ। और स्ट्रेंथ भी मैं बस ये नहीं बोल रहा, स्ट्रेंथ कुछ और भी हो सकता है, जैसे लैंग्वेज स्ट्रेंथ हो सकता है, म्यूजिक स्ट्रेंथ हो सकता है। आई कांट सिंग सॉन्ग्स, हां तो ये देखो, ये गाना नहीं गा पाते तो इनका म्यूजिकल म्यूजिक में वीक रहते हैं। और आई लाइक डांस, हां डांस स्ट्रेंथ है, डांस करता करते हैं, तो वैसे ही कृष्णा एक स्ट्रेंथ एक वीकनेस, बैठ बैठ गाना नहीं गाता। और स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ क्या है, ताकत क्या है, अच्छा क्या कर लेते हो, लैंग्वेज अच्छा है, मैथ अच्छा, मैथ वीक है, और स्ट्रॉन्ग ताकत क्या है, बॉडी स्ट्रॉन्ग, ठीक है ओके, क्या अच्छा तो फुटबॉल खेला, अच्छा फुटबॉल खेला, हाँ तो इसका स्ट्रेंथ है वो, तुम एक ताकत एक कमजोरी यार, बहुत सिंपल, अपना अपने आप को ये जो मैं क्या बोल रहा हूँ, अपने आप को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, बाकी चाहे आप ये सब छोड़ दो, लेकिन अपने आप को पता होना चाहिए आप क्या है, मैथ वीक और स्ट्रेंथ अच्छा क्या करता है, स्ट्रॉन्ग कैसे, सब मिडिल क्या बोल रहे, मिडिल होता है जो सामान होता है, मिडिल अच्छा ठीक है, तो वो भी सही, यानी सब कुछ तुम ठीक ठाक कर लेता है, ठीक है, वही लिखते हैं मिडिल, यानी यही बोल रहे थे कि सब कुछ तुम ठीक ठाक कर लेता है, हाँ थोड़ा थोड़ा कर लेता है, ठीक ओके गुड, तो वही आपको पता होना चाहिए, मैं बस इतना बोल रहा हूँ, कुछ इसमें कुछ मार्क्स नहीं मिल रहा, कुछ अच्छा हो नहीं है, बस पता होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है अगर तुमको पता है, जैसे बहुत लोग हैं, कुछ लोग होते हैं जैसे अगर 10 चीज है, 10 कॉम्पिटिशन है, पेड़ में चढ़ना, स्विमिंग करना, जैसे कैट है, फिश है, फिश को स्विमिंग में क्या है, 10 out of 10 मिल जाएगा, इसमें क्या मिलेगा, 0, कुछ लोग है इसमें भी 8 ले लेगा, इसमें भी 8 ले लेगा, तो ये बोल रहे हैं ना, तो पता होना चाहिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ करा दे अच्छा क्या करते हो, कुछ तो होगा अच्छा करते हो, बहुत कुछ करते हो तुम, आप आर्ट, ओह गुड, अच्छा ड्राइंग, एक्टिंग, ओह ठीक है, फिर तो तुम तो काम का आदमी, तुम ही से एक्टिंग करवा रहे हो ना, चलो बता दो, एक्टिंग, हाँ, लुक लाइक वन नो, हाँ, सही है, बॉडी मैच स्ट्रेंथ है, ठीक है, तो ओके, स्ट्रेंथ, इंग्लिश लैंग्वेज, हरि, हाँ, सॉन्ग एंड डांस क्या है, स्ट्रेंथ है या वीक है, ठीक है, स्ट्रेंथ सब कुछ स्ट्रेंथ है, ठीक ओके, हाँ तो ठीक है, ये तो हमने अभी ऐसे ही किया, लेकिन इस चीज पे होमवर्क दे रहा हूँ, लिखना विखना नहीं है कुछ, बस अपने लिए आप उसमें दिमाग में थोड़ा सोचो कि मैं किस चीज में अच्छा हूँ, मैं किस चीज में वीक हूँ, है ना, तो और ऐसे ही, क्योंकि ये सब वही अपने आप को जानना बहुत जरूरी है, बस इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि टेंथ के बाद इलेवंथ में आप आर्ट्स लो या कॉमर्स लो या साइंस लो, जीवन भर के लिए, धीरे जैसे जैसे आप बढ़ेगा, हो सकता है अभी तुमको किस क्या बोला था, किस चीज में वीक हो, मैथ में, हो सकता है 5 साल बाद तुम मैथ्स में एकदम स्ट्रांग हो जाएगा, तो बार बार अपने आप को हमेशा जीवन में देखते रहना कि अभी मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता,
और जो नहीं कर सकता क्या उस पर काम करना चाहिए। जिस चीज पे वीक है मैथ्स में, अगर वीक है तो उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या करेगा? हाँ प्रैक्टिस करेगा, पढ़ाई करेगा। वैसे ही क्या सिंगिंग और डांसिंग में तुम वीक है तो उसमें अगर स्ट्रॉन्ग बनने क्या करेगा? प्रैक्टिस करेगा ना। तो ये सब करना ठीक। चलो Let's discuss something. Haan. When is your next class?